प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का ही दिन है, वो यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें आनंदित हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे, आप परमेश्वर को बोलेंगे कि वो हमारे हृदय को खोले ताकि आज हम उसके वचन को सुन सके और हृदय में ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद है, तो महिमा करता हूँ, अच्छे महान हमारे जीवित परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। अब फादर आई प्रे कि आपका पवित्र आत्मा मुझ में आए, अपनी पवित्र आत्मा का मसा दे, अपनी होली स्पिरिट का मसा दे मुझे। प्रभु जी आई प्रे कि जो लोग सुन रहे हैं और यहाँ पर हैं, पिता आई प्रे कि उनके कान और हृदय को भी खोले ताकि आज आपके वचन को ग्रहण कर सके और आपकी महिमा हो। और प्रभु जी आई प्रे जितने लोग जो आज नहीं सुन सकते बाद में सुनेंगे, लॉर्ड आई प्रे कि आप उनको भी आशीष दें। आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस मैसेज को सुनेगा, परमेश्वर उसके जीवन को बदले और उसके घर में बहुत से चमत्कार हों और प्रभु उसको हमेशा ऊंचा उठाए और हर चीज़ में हर जगह पर उसकी बहुत इज्जत हो। यीशु के नाम से धन्यवाद देते पिता, मैं जानता आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मानी, मांगता यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। एंड अगेन सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम वो जो लास्ट संडे हमने सीखा था, क्या यीशु ही स्वर्ग का एकमात्र मार्ग है, इस जीसस इज द ओनली वे टू हेवन, हमने लास्ट टाइम सीखा था। इसमें बताया था कि किस तरह से जो प्रभु यीशु ने जो प्रोफेसीज हैं वो पूरी की, जो ओल्ड टेस्टमेंट में इवन दो जो बुक ऑफ जेनेसिस से उनके ऊपर जो प्रोफेसीज हुई थी वो उन्होंने प्रभु यीशु ने प्रोफेसीज सारी की सारी पूरी की है। हालेलुया। 351 जो ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज हैं प्रभु यीशु ने फुलफिल की। और क्योंकि जॉन ने भी लिखा है कि अगर मैं परमेश्वर के बारे में सब कुछ लिखना चाहूं, अगर मैं परमेश्वर के बारे में यीशु के बारे में सब कुछ लिखना चाहूं कि अगर ये सारा समुंदर शाही बन जाए और ये जितने भी पेड़ पौधे हैं कागज बन जाए तो भी जगह कम पड़ेगी, तो वो शाही खत्म हो जाएगी, वो पेपर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने 2022 साल पहले इस धरती पर आए और आपके लिए और मेरे लिए उस क्रॉस के ऊपर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गए। उनकी कब्र अगर हम जरूसलम में जाके देखेंगे खाली है, एम्प्टी है, क्योंकि एकमात्र वही परमेश्वर है। अगर आप दुनिया की कोई भी बुक्स उठा के देख लो, कोई भी धार्मिक बुक्स उठा के देखें, उसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भी कोई भी देवी देवता पीर पैगंबर अगर वो मरकर जी उठे हों और स्वर्ग में पिता के साथ बैठे हों और वो वापिस आने वाले हैं। हालांकि हमारे मुस्लिम भाई भी ये विश्वास करते हैं कि जीसस ईसा इस्लाम इज कमिंग बैक, जो प्रभु यीशु है, जो मसाया है, वो वापिस आने वाला है। जिस तरह से क्रिश्चियंस लोग, जो मसीह लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसी तरह से मुस्लिम भाई भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईसा इस्लाम वो आने वाला है, वो आएगा, जल्द आएगा। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने बुक ऑफ जॉन से लिया था, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, इसे आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, ही इज नॉट ए वे। मैंने पहले लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट संडे को भी, ही इज नॉट ए वे, वो एक ऐसा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मुझे ये सिखाया गया था कि स्वर्ग जाने के बहुत से रास्ते हैं। आप स्वर्ग दान पुण्य करके जा सकते हैं, आप स्वर्ग अपने अच्छे काम करके जा सकते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं कि आप बहुत महापुरुष हैं तो आप स्वर्ग जा सकते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं कि ताकि जब तक आपको वेदों की बहुत नॉलेज है आप स्वर्ग जा सकते हैं, और अगर आप दान पुण्य किए, अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग फिर से इस कर्म में स्वर्ग जा सकते हैं, अगर आपने इस कर्म में कोई अच्छे काम किए हैं तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। पर नो, जीसस ने कहा है कि आई एम द ओनली वे, जीसस इज नॉट ए वे, वो एक रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एक रास्ता है दूसरे रास्तों की तरह, वो एक ही रास्ता है, जीसस इज द वे, वो ही एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको पिता के पास लेके जा सकता है। मैं
कुछ तीन चार चीजों के ऊपर ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जो अपनी जिंदगी, अपना जीवन इस धरती के ऊपर व्यतीत किया, एक पवित्र, एक ब्लेमलेस, उसमें कोई भी ब्लेम नहीं था, उसका कोई भी ऐसा, किसी ने उसके ऊपर उंगल नहीं उठाई कि भाई तूने ऐसा किया है। अगर हम दुनिया के किसी दूसरे को देखें तो आपको यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें आपको मिलेगी, बट जीसस इज द ओनली वन हू वाज द ब्लेमलेस लैम। वही था ब्लेमलेस लैम जो कि आपके लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए स्लेन हुआ और सूली पर चढ़ा, काटा गया, मारा गया। उस जगह पे मुझे खड़ा होना था सूली के ऊपर, पर प्रभु यीशु उस सूली पर मारा गया ताकि मुझे बचा सके, मैं बच सकूं। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट इज अ एक लॉ था जो परमेश्वर ने दिया था हमें। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, जान के बदले जान, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, वो ऐसा होता था। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत ब्लड शेड हुआ है, बहुत से खून खराबा हुआ ओल्ड टेस्टामेंट में, क्योंकि जो परमेश्वर है, जो पिता है, ऊपर बैठा है आसमान पे, ही वाजंट सेटिस्फाई, वो हमारे जो काम करने का तरीका था उससे वो कभी खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसको एक ऐसे पवित्र बलि मिले जिससे कि वो हमारे पापों का उद्धार कर सके। जब मैं इंडिया में था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, तो मेरे पिता और बहन भाई, भाई और माता भी ऐसा बोलते थे कि बेटा अभी तू जा रहा है मंदिर में, जा रहा है शनिवार को, तो ये तेल ले जा, वहाँ पे चढ़ा देना, तेरे पाप ठीक हो जाएंगे। अच्छा बेटा अभी तू काली माता के मंदिर में जा रहा है, ये शराब की बोतल ले। मैं खुद शराब की बोतल मैं खुद लेकर गया हूँ काली माता के मंदिर में पटियाला में, और वहाँ पर चढ़ाया, मुर्गा भी चढ़ाया है, मुर्गी भी चढ़ाई है ताकि, शायद मुर्गा भी हो सकता हूँ, चढ़ाया है ताकि मेरे जो पाप है वो गुनाह कम हो सके। ये करने के आई एम नॉट, मैं किसी भी धर्म को नीचे नहीं रख रहा, पर मैं तो एक अपना उनका जो काम करने का तरीका वो बता रहा हूँ, मैं अपना काम करने का तरीका। ओके? तो मैं वो करता गया पर मुझे कभी शांति नहीं मिली। तो मैंने आपको बताया था आजकल इंडिया में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन के माहौल में लोग बाहर दीवारों में लिख देते हैं भाई इसको वोट दो, उसको वोट दो। तो इसी तरह से मेरे घर के बाहर लिखा हुआ था, ए बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, तुम मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मैं ये सोचता था कि भी शायद किसी लीडर का, किसी नेता का कोई बड़ा लीडर मर गया है तो बेचारा मजदूर होगा और मारा गया और उसने कहा कि मैंने अपना खून बहाया है तो आके मुझे वोट दो। तो मेरा यही सोचने का विचार था और मैं उस जो स्क्रिप्चर है उसको दिन में 50 बार पढ़ता था और यही सोचता रहता था कि ये कौन सा ऐसा लीडर है, ये कौन सा ऐसा आदमी है जिसने अपना खून बहाया, और बड़े ऐसे लिखा कि मैंने अपना खून तेरे लिए बहाया, बहुत से थके मांदे लोग मेरे पास। तो जब मैं अमेरिका में आया कुछ साल के बाद, तो मैंने किसी पास्टर जी ने मुझे बाइबल दिया, पास्टर अविनाश रायपुर ने, तो उन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। तो मैंने जब बाइबल में पढ़ा तो बाइबल में देखा कि लिखा हुआ था बुक ऑफ मैथ्यू में, ए बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैंने तेरे लिए लहू बहाया। तब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है क्योंकि मैं एक पापी इंसान था, और जो पाप है वो हमारे जन्म से ही आता है, हम जन्म से ही पापी होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें एडम से, जो एडम ने डिसोबीडियंट किया था वहीं से पाप है जो वो कैरी होता गया जनरेशंस टू जनरेशंस। जब तक हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते, वो जो एडम के द्वारा जो पाप किया गया था, डिसोबीडियंट की गई थी, तो वो ही चलता रहता जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि लहू के अंदर। जब पैदा होता है बच्चा तो बच्चा
छोटा सा झूठ कैसे बोलना शुरू कर देता है, शरारतें कैसे करनी शुरू कर देता है, आपको डिसीव करना कैसे शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जो नेचर है, बच्चे की नेचर है, एक पापी की नेचर है। ओके, वेरी केयरफुल सुनो, उसका जो बच्चे की जो नेचर है पापी की नेचर। हम बोलते हैं बच्चे बड़े स्वीट हैं परमेश्वर का रूप में, यस दे आर, पर जो उनके अंदर जो उनकी आदतें हैं, जो उनका जो उनके अंदर का जो सिस्टम है, वो एक सिस्टम ऐसा है कि जो एडम से आया एक पापी की तरह है। जब तक वो बच्चा प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करता, अपने पापों का अंगीकार नहीं करता परमेश्वर के आगे, ऐसा नहीं बोलता कि प्रभु यीशु मैंने पाप किया है तो मुझे बचा और मुझे अपनी शरण में ले, तब तक वो, अगर जब तक वो प्रार्थना नहीं करता तब तक वो पापी रहता है और जैसे अंधेरे में आया और अंधेरे में ही मर जाता है और वो अंधेरे में ही रहता है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम अंधेरे से रोशनी में आ जाते हैं और रोशनी से हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वी आर सेव्ड, हम बचाए गए हैं, हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से बचाए गए हैं ताकि हम उसके साथ रह सकें, हम स्वर्ग में उसके साथ रह सकें। जो सिन है, जो पाप है, इज ए पार्ट ऑफ आवर डीएनए। अभी मैंने बताया ना कि जो पाप है, जो एडम से आया है, जो पाप है वो हमारा एक डीएनए का पार्ट है और जो कि लोग उसको कैरी करते जा रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो वो हमारा पाप धुल जाता है। हालेलुया। एंड जो प्रभु यीशु है, ही इज परफेक्ट एंड राइटियस, ही इज 100% परफेक्ट पर्सन, जिसने कोई पाप नहीं किया वो परफेक्ट है। जीसस क्राइस्ट परफेक्ट, ही इज होली इन द साइट ऑफ गॉड, गॉड द फादर, वो एक पवित्र है उस पिता की आंखों में, वो एक पवित्र है और उसकी पवित्रता हमारे अंदर आती है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो उसकी पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एट वन पॉइंट इन जीसस मिनिस्ट्री में मेनी ऑफ क्राउड दे टर्न देयर बैक, बहुत से ऐसे लोग थे जब प्रभु यीशु मिनिस्ट्री कर रहे थे तो काफी लोग थे जो उनको फॉलो करते थे वो वापस जाना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि दे लीव हिम, दे अबाउट दे थिंक लाइक देयर इज अनदर सेवियर और दे आर दे होप, उन्होंने ऐसा सोचा कि वो कोई दूसरा सेवियर को फाइंड कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जीसस ने अपने 12 डिसाइपलों से पूछा, डू यू वॉन्ट टू गो एज वेल। प्रभु यीशु ने अपने डिसाइपल से पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो। तो बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 67, पीटर ने रिप्लाई किया, लॉर्ड होम शैल वी गो, कहता परमेश्वर मैं किसके पास जाऊं, लॉर्ड लॉर्ड टू होम शैल वी गो, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ And we have believed. Hallelujah. कहता प्रभु अब मैं कहां पर जाऊं, क्योंकि तेरे में ही अनंत जीवन है और तुझ में ही जो तेरा वचन है वही अनंत जीवन है, तुझी में ही अनंत जीवन, अब मैं किस कहां पर जाऊं। कहता मैंने सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ गया हूं क्योंकि तेरे में ही अनंत जीवन है। My friend, I don't want to condemn anybody's religion. जिसका जो धर्म है, जो विश्वास है, उसका सोचना है, दैट्स गुड, वो उनकी मर्जी है। ओके, मुझे मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं अपने प्रभु यीशु के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी कैसे बदली। मैं सुबह मंदिर जाने वाला पर्सन हूँ, सुबह सारे मंत्रज मुझे आज तक याद हैं, यहाँ पर सब मंत्रज याद हैं अभी तक। अगर आप कहो तो मैं आज भी वो मंत्रज बोल सकता, मुझे सब चालीसा याद है, पर मुझे कभी शांति नहीं मिली थी। तो मैं एक ही मेरी सोच रहती थी कि भाई इन सब में से कौन सा वो प्राइम, जब वही एक सच्चा परमेश्वर है, तो मुझे कभी शांति नहीं मिली। जब मैंने बाइबल को पढ़ा
तो मुझे पता चला कि जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे। तो मैंने सब चीजों को त्याग कर प्रभु यीशु को ग्रहण किया। टू रिसीव गॉड्स फ्री गिफ्ट ऑफ सल्वेशन वी मस्ट लुक टू जीसस अलोन। अगर हमें अनंत जीवन को लेना है, अगर हमें अनंत जीवन अपने जी अनंत जीवन अगर हमें मिल अगर आप चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले तो आपको सिर्फ प्रभु यीशु की तरफ ही देखना है। We must trust in Jesus। हम जीसस के ऊपर विश्वास करें और उसकी डेथ के ऊपर और उसकी रेजरेक्शन के ऊपर और उसके क्रॉस के ऊपर, जिस क्रॉस के ऊपर वो मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया, और ही प्रभु यीशु ने हमारे सारे गुनाहों की पेमेंट, सारा हमारा जो कर्जा था वो उतार दिया, उसने दे दिया, और वो अपनी मौत से जीवित हो गया और वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारे अंदर राइचियसनेस है वो हमेशा प्रभु यीशु से आती है। हमारी राइचियसनेस जीरो है पर परमेश्वर से आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु यीशु भी एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आपको और मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आज आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट कि अगर आप आनंद जीवन पाना चाहते हैं, ये आनंद जीवन पाने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना है। क्यों? ये जो प्रार्थना है कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकती है। ये जो छोटी सी प्रार्थना है हमें स्वर्ग में लेके जाती है। हालेलुया। और जब हम स्वर्ग में जाते हैं देन वहां पर एक जजमेंट भी होगा, उसका भी ध्यान रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, मैं स्वर्ग में गया, मैंने जब प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया तो अभी मैं कुछ भी करूं। नो, यू हैव टू फॉलो His command. You have to follow Him. उसको उसकी बाइबल को फॉलो करना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। जो आपकी जो सल्वेशन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, ऐसे जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इधर से भी सब मोटा मोटा हो जाता है। हालेलुया। तो हमें बाइबल में एक्सरसाइज करनी है। हालेलुया। रीड करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। वो जो छोटी सी प्रार्थना मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप वो छोटी सी प्रार्थना जो कि 30 सेकंड के अंदर भी खत्म हो सकती है या एक मिनट में भी खत्म हो सकती है, अगर वो छोटी सी प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब कि यू आर सेव्ड। तो आइए हम मिलके प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, आज मैं आपके पास आता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मैं जानता हूँ कि जीसस इस धरती पर आए 2022 साल पहले, मारे गए क्रूस के ऊपर मेरे पापों के लिए, जिंदे हो गए तीसरे दिन, उनकी जो कब्र है वो खाली। आज मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ ये सारी बात। मैं पापी हूँ, मैं ये भी कबूल करता हूँ, मैं ये भी कबूल करता हूँ कि प्रभु यीशु ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो कि मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है। आज मैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं प्रभु यीशु को फॉलो करूंगा। तो प्रभु यीशु मैं आज आपका और आपने मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आपने ये छोटी सी प्रार्थना की, इसका मतलब यू आर सेव्ड, आप अनंत जीवन। जब हम आखिर की दुआ करेंगे, आई प्रे कि आप हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर आज आपको चंगाई बख्शे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों से, फिजिकल हीलिंग चाहिए उनको, उनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए हैं और बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, इन्फ्लेशन ये वो सब दुनिया में बहुत काम खराब हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। तो आइए हम मिलके दुआ करते हैं। लॉर्ड, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सब लोगों को हील करें जो हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आई प्रे कि आपकी हीलिंग उन सब के ऊपर आए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, आपके चमत्कार उनके घर में हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। लॉर्ड मैं बोलता हूँ कि चंगाई उनके घर में पैसों की कमी ना हो पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हर जो इच्छा है जो आपके द्वारा है वो पूरी हो पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी। हमारे आज जो अपने कान हृदय खोले उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ताकि आपका वचन है वो हमारे हृदय में रहे यीशु मसीह के नाम से। और यू हील एवरी काइंड ऑफ सिक पर्सन प्रभु जी, आप हर एक बीमार आदमी को चंगा करें। लॉर्ड आई प्रे कि घुटनों की बीमारी ठीक हो यीशु नासरी के नाम से, अर्थराइटिस ठीक हो यीशु के नाम से पिताजी। प्रभु जी हृदय की बीमारियाँ ठीक हो यीशु के नाम से। प्रभु जी जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। लॉर्ड जिनको दर्द रहता सर में वो ठीक हो यीशु नासरी के नाम से। जिनको बैक पेन होती है वो यीशु नासरी के नाम से ठीक हो। और प्रभु जी जिनको चलने में दिक्कत है वो चलना शुरू करें यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु जी जो काफ़ी सालों से बीमार पड़े हैं या काफ़ी महीनों से बीमार पड़े हैं खड़े हों यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं जानता हूँ आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मानी, मांगता हूँ यीशु के नाम से। आज जो चमत्कार बोले गए हैं तो आप उनको विश्वास करके ग्रहण करें तो आपके घर में चमत्कार होगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एंड सब कुछ जय मसीह के। आइए हम सब मिलकर आखिर की दुआ करेंगे। ओ लॉर्ड यू ब्लेस मी इंडीड, एनलार्ज माय टेरिटरी, योर हैंड बी अपॉन मी, कीप मी फ्रॉम द इवन दैट आई मे नॉट कॉज एनी पेन टू एनीवन। प्रभु का प्यार, उसकी हजूरी, पवित्र आत्मा का वास आपके साथ आज से लेकर आखिर तक हमेशा हमेशा रहे। आमीन। एंड अगेन सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एंड प्रभु यीशु मेरा है, वो जीवित है और अलाइव है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है, और हमारा चर्च भी आपसे बहुत प्यार करता है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट संडे, ओके। एंड तब तक आप उससे प्यार करते रहें। और ये जो एकमात्र एक ऐसा रास्ता है वो स्वर्ग में जाने के लिए, आप उसको फॉलो करें।